गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 2 जीके। आज हम सीखेंगे चैप्टर 7 टाइप ऑफ हाउस। आपने कई सारे घर देखे होंगे, आप घूमने जा रहे होंगे और वहीं पे आपको आप कितने सारे घर देखते होंगे। तो यहाँ पे आज हम कौन कौन से घर होते हैं वो हम सीखेंगे, कौन से घर कि किस किस टाइप के घर होते हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1 में है, दीज आर मेड ऑफ क्लोथ एंड आर यूज वाइल कैंपिंग आउटडोर्स। हम पिक्चर्स में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि मेड ऑफ क्लोथ, जो घर क्लोथ से बना है, छोटा है, क्लोथ से बना है, कैंपेनिंग करने के लिए जो आउटडोर हम जाते हैं घर के बाहर, उसमें दिखाई देता है टेंट टाइप का, वो तो बी आएगा, तो बी में ये ऐसा है। यहाँ पे देखो, ये ऐसा घर मीन्स के छोटा सा है, एकदम एक आदमी यहाँ पे सो सकता है इधर, ये टेंट टाइप, उसके हम टेंट भी बोलते हैं। ओके, दीज आर मेड ऑफ क्लोथ्स एंड आर यूज वाइल कैंपेनिंग आउटडोर्स। मैच करने में मैं आपको पूछूंगी कि मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट पिक्चर्स, तो आपको आना चाहिए। ओके, नंबर 2 में है, दिस हाउसेस फ्लोट एट और फ्लोट ऑन वाटर। तो ये घर है उसमें वाटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली वाटर के ऊपर सी। तो यहाँ पे देखिए, बोट है, बड़ी सी बोट है, उसके अंदर बोट के ऊपर उन्होंने लकड़ी का घर बनाया है। ओके, केरला टाइप, केरला साइड में ऐसे बोट के ऊपर नदी में ऐसे बहुत सारी बोट आपको दिखाई देगी। ओके, केरला जाओ, कश्मीर जाओ, तो बहुत सारी ऐसी बोट है जिसमें घर टाइप होती है, अंदर सब कुछ जो घर में होता है वो सब कुछ होता है इसमें, होटल टाइप। नंबर 3 में है, दिस हाउसेस आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस से बना, यानी कि जहाँ पे आइस गिरती है वहाँ पे इग्लू, इग्लू कहते हैं उसे। तो यहाँ पे ये देखो, डी, इग्लू टाइप ये घर है। ओके, दीज आर स्मॉल हाउसेस ऑन व्हील्स। ओके, ए क्या है, कार है, बड़ी सी कार है, उसमें घर बना दिया है, मीन्स ये कार के स्मॉल हाउस, यहाँ भी छोटा घर है। बड़ी बड़ी आपने टीवी में भी देखा होगा, कोई जगह पे आप गए हो तो वहाँ पे देखा होगा, ऐसे बड़ी बड़ी कारों में ऐसे जो घर जैसा छोटा बेड होता है, छोटा किचन होता है, तो आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो, ऐसी छोटी छोटी कारों में भी वो घर बनाते हैं। दिस हाउसेस आर बिल्ट इन एरियाज वेर इट रेन्स अ लॉट, दे आर बिल्ट ऑन स्टिक्स और पोल्स। तो कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पे नदी है, नदी के ऊपर पिलर लेके उन्होंने ये घर बनाया है। ये रेन बहुत गिरती है इसी ऐसे रेन जहाँ पे बहुत सारी गिरती है, और बिल स्टिक्स ऑन और पोल्स, यानी पे यहाँ पे पिलर लेके उन्होंने ये घर बनाया है, और रेन गिरती है इसी वजह से, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर से ऐसे घर बनाती है। दीज आर वुडन हाउसेस बिल्ट इन ट्री, ट्री से वुडन एच, यानी कि ट्री के ऊपर घर बनाते हैं। बड़ा सा ट्री, मजबूत ट्री होता है जो उसका जो वजन है वो खिलता है, वो इसी वजह से ये ट्री के ऊपर लकड़ी का ये छोटा सा घर बनाते हैं, तो उसे वुडन हाउसेस कहते हैं। दीज हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो एंड आर मोस्टली फाउंड इन विलेज। तो जी आएगा, तो जी में ये ऐसा घर है,
मोस्टली हमें विलेजेस में ये घर दिखाई देगा, मिट्टी से बनाया हुआ है, ऊपर ये घास डालते हैं, लकड़ी का दरवाज़ा होता है, लकड़ी की विंडो होती है, तो ये विलेजेस में ऐसे घर होते हैं। दीज हाउसेज आर कॉमनली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स, दे आर मेड ब्रिक्स एंड सीमेंट, सीमेंट और पत्थर से बने घर मोस्ट ऑफ सिटीज में होते हैं। तो ई आएगा, ई में ये देखो हमारे जैसे घर, यहाँ पे हम जो घर होते हैं मोस्टली सिटी में ये ऐसे ब्रिक्स और सीमेंट से बना होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में कैसे पूछूंगी कि मैं ये सेंटेंसेस लिखूंगी, ये आपको पढ़ के कौन से पिक्चर में आपको कौन से हाउस कौन से पिक्चर में आएगा वो आपको मैच करना होगा। चैप्टर 8 लिविंग बींग्स, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 में है हाउ मैनी टीथ डज एन एडल्ट हैव, एडल्ट यानी बड़े लोग, तो बड़े लोग के कितने टीथ होते हैं, टीथ दांत कितने होते हैं, तो 32। ओके, विच बर्ड यूज इट्स बीक टू स्मेल, कौन सा बर्ड है जो ना अपनी टीथ के अपनी बीक यानी चांच चांच के ऊपर उसे स्मेल उसके स्मेल आती है उसे, बर्ड बीक टू स्मेल, तो कीवी आएगा जो स्मेल उसे स्मेल आती है, नाक के ऊपर होल होते हैं उसके, उसमें से उसे नाक कहते हैं उसका, वो कौन सा बर्ड है, तो कीवी। वॉट इज अ बेबी डियर कॉल, डियर का बेबी बेबी डियर को क्या कहते हैं, तो फाउन। हाउ मैनी मिल्क टीथ डज अ चाइल्ड हैव, चाइल्ड यानी बच्चे, आपको यानी कि आप लोग, तो मिल्क टीथ यानी कि जो आपके छोटे बच्चे थे तभी से आपको जो दांत आए थे, तो वो दांत आपके कितने हो गए, अभी आपके कितने टीथ हो गए, तो 20। ओके, आप गिन लेना अपने दांत। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल, टॉलेस्ट एनिमल कौन है, तो जिराफ। विच एनिमल लिव्स इन अ ब्यूरो, तो रैबिट, ब्यूरो मीन वो दर में रहता है, दर में कौन रहता है, ब्यूरो यानी बोरो यानी दर, जो मिट्टी में वो खोद के बनाता है ना दर, वो, तो रैबिट। विच एनिमल प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ बाय गिविंग आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, तो स्टंग स्कंक, ये एनिमल है स्कंक नाम का, जो नेवला नेवला आता है वो उसके जैसा गंदा सा होता है जिसमें से स्मेल आती है। व्हाट डज अ कैटरपिलर ईट, कैटरपिलर क्या खाता है, तो लीव्स, वो लीव्स खाता है जो जार के पंदड़ा हो ये बधु खाई। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल कौन है, तो ब्लू वेल। ओके, विच बर्ड हंट्स फॉर फूड एट नाइट, रात में कौन शिकार करता है, तो आउल, कौन सा बर्ड रात में जागता है और शिकार करता है, तो आउल। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछूंगी, तो आपको ये आना चाहिए, स्पेलिंग कर लेना तो आपको आएगा। चैप्टर 9 ग्रेट पीपल, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन को आपको चुन के आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है। मदर टेरेसा हेल्प द पुअर एंड द सिक एंड ऑलवेज वॉर अ वाइल्ड सारी वाइट सारी विथ अ ब्लू बॉर्डर, मदर टेरेसा को आपने देखा है वो हमेशा क्या पहनते थे, वाइट साड़ी और ब्लू बॉर्डर की, वाइट साड़ी में ब्लू बॉर्डर वो उनकी
साड़ी थी वो पहनते थे, और हमेशा वो पुअर और शिक जो पर्सन थे उनकी वो सेवा करती थी, और उनको उनके यहाँ भी वो रखते थे और उनकी सेवा करते थे, तो मदर टेरेसा। ओके, नंबर टू, महात्मा गांधी इज ऑल्सो नो एज बापू। महात्मा गांधी जी को दूसरे बापू नाम से भी पहचाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर फोर, इंडिया फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट वॉज प्रतिभा पाटिल। तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। वुमन में वुमन प्रेसिडेंट, इंडिया फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट वॉज प्रतिभा पाटिल। नंबर फाइव, एमएस धोनी इज अ फेमस क्रिकेटर। आपको ये आना चाहिए, फेमस क्रिकेटर। फेमस क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, पर जो ब्रैकेट में दिए गए हो कि एमएस धोनी, तो आपको एमएस धोनी ही लिखना है। नंबर सिक्स, लता मंगेशकर इज अ वेरी फेमस इंडियन सिंगर। ब्रैकेट में दिया गया हो कि लता मंगेशकर, तो आपको लता मंगेशकर ही लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर इज नो ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर हिज पोएट्री नॉवेल्स एंड प्लेस। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट्री है, नॉवेल्स भी लिखी है, और प्लेस भी उन्होंने लिखे हैं। इनिद ब्लाइटन इज वेल नो फॉर हर चिल्ड्रंस नॉवेल। तो चिल्ड्रंस नॉवेल किसने लिखी है? तो इनिद ब्लाइटन ने। नरेंद्र मोदी इज अ 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी 14th प्राइम मिनिस्टर है, वो 14 में प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, नरेंद्र मोदी, और अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर ही है, नरेंद्र मोदी। नंबर 10, एआर रहमान इज अ फेमस इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर। तो एआर रहमान फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, वो शो में भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, उन्होंने आपको, अरे आपने उन्हें देखा होगा। तो एआर रहमान, ये आपको ब्रैकेट दिया जाएगा, आपको ब्रैकेट में से चुन के आपको लिखना है कि सही आंसर कौन सा है। चैप्टर 7, 8, 9 में यहाँ पे फिनिश करती हूँ, और चैप्टर 10 है वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। ओके।